की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी नहीं तो कभी नहीं, नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं, नहीं। अभी नहीं तो काल। मैं सूबेदार प्रगट सिंह आप लोगों का कल के जो दिन जैसे भी हुआ था, बाद में आपसे हमने कॉन्फ्रेंस में भी बताया, तो आपने जो हमारा सहयोग किया है, इस सहयोग को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि आपके सहयोग से ही जो प्रशासन है ये एकदम उसके ऊपर ये असर हुआ कि वाकया ही जो पहले जैसे ये धरने वाले 117 दिन हो गए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हम सभी जो मोर्चे पर बैठे हुए हैं सैनिक बहुत खुश हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप आइंदा के लिए भी ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, सोशल मीडिया में एक खबर चल रही थी कि पूर्व सैनिकों का धरना बंद हो गया है। ऐसा ये एक र्यूमर टाइप का था, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व सैनिकों का धरना बरकरार है। आज 116वां दिन है और जैसे ही ये कल खबर आई, हमने लोगों से अपील की, चारों तरफ से हमारे जितने भी दिग्गज पूर्व सैनिक, अभी आपने देखा यहाँ पहुँचे सभी चारों दिशाओं से, दूर दराज से। फिर बाद में हमने काफ़ी लोगों से बोला, आप जंतर मंतर पर एक निश्चित संख्या की ही परमिशन होती है, ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा तादाद में ना आए। जो भी पूर्व सैनिक सुन के मूवमेंट किया उन्होंने यहाँ के लिए आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की यही एकता है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाएगी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ऐसे ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हाँ जी, मैं सुबह बजरा एसपी से गोसल, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नैशनल एडवाइजर। असी जो फेडरेशन बनाई है, वैटन फेडरेशन ऑफ वैटन एसोसीएशन इंडिया, जिदे साढ़े प्रधान ने नैशनल प्रधान सूबेदार अर्जन सिंह राठौर, उन्होंने दिशा निर्देशों के अनुसार जिहड़ा असी 30 मई का प्रोग्राम दिया था, पूरे तहसील लैवल तहसीलदार SDM को मैंबरों ने देने का, उस कड़ी दे विच पूरे देश ने हमारा साथ दिया। कई जगह पर प्रशासन ने आनाकानी भी किया मैंबरों ने लेने से, और ऐसे ही घटना एक सीकर में वापरी को, सीकर में हमारे सबका सैनिक SDM के पास गए काफले के रूप में, वहाँ पर मेमोरेंडम देने की, जब से पहले ही उन्होंने ये घोषणा कर रखी थी कि हमने आना है मेमोरेंडम देना 30 मई को फेडरेशन के हुक्मा के अनुसार, वो वहाँ पर गए और SDM जो है 1.5 घंटा वहाँ उनका मेमोरेंडम लेने के नहीं वहाँ पर पहुँचे, जिसके रोष वजहों सीकर के सबका सैनिका ने वहाँ पर रोड के ऊपर बैठ गए, और बाद में जो है 1.5-2 घंटे के बाद SDM साहब ने आके मेमोरेंडम लिया। संवैधानिक तरीके पीसफुली उन्होंने मेमोरेंडम दिया, लेकिन उसके बाद हमारे जो 7 सैनिकों के ऊपर FIR दर्ज हुई है। FIR नंबर हैगा 01-174-31 मई 2023, नीम का थाना सीकर। हमारे 7 सबका सैनिकों के ऊपर धारा लगाई गई है 143-283। असी इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार को अपील करते हैं कि ये जो FIR है, इसको जल्द तो जल्द
कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए, और साथ साथ में हम राजस्थान की सरकार को ये चेतावनी भी देते हैं और एक हफ्ते का समय देते हैं। अगर एक हफ्ते के बीच बीच में इन 7 जवानों के ऊपर, जिनका नाम है विनोद डाका, सवाद सिंह, उसके बाद ओंकार सिंह, पाला राम चौधरी, दुष्यंत कुमार, होलदार नर सिंह, सूरत सिंह, इनके ऊपर जो FIR दर्ज हुई है वो जल्दी से जल्दी कैंसिल करो। और दूसरा, असी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं हम आपको, नहीं तो एक हफ्ते के बाद, आज 15 तारीख होगी है, 15 जून है, और एक हफ्ते तक अगर FIR कैंसिल नहीं हुई, हम सीकर, जो नीम का थाना सीकर है, उस थाने का ग्राह करेंगे। ये निर्णय मैं अपना सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से पूरे देश के सबका सैनिकों को अपील करता हूँ कि अगर FIR रद्द नहीं होती, और आज ही शाम को हमारी फेडरेशन की मीटिंग भी है 8 बजे, हम फेडरेशन के बीच भी ये पॉइंट रखेंगे। फिलहाल मैं अपने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेशनल एडवाइजर होते हुए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से प्रोग्राम दे रहा हूँ, और आज 8 बजे मीटिंग के बीच फेडरेशन बीच अपना इस पॉइंट को भी रखेंगे, और पूरा फेडरेशन का भी सहयोग मांगेंगे, और हमने जो है एक हफ्ते के बाद सीकर का थाने का ग्राव करेंगे। ये हमारी सरकार को चेतावनी है और अपील भी है कि इस चीज़ के लिए हमारे को मजबूर ना किया जाए, और जल्दी तो जल्दी जड़ी है ये FIR रद्द किया जाए। आगे की क्या योजना है? FIR वाली बात तो कही आपने, अभी ये भी सुगबुगाहट आ रही है, जैसे कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि वो चाहे तेज बहादुर वाला मामला हो, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक सैनिक उतर गया था मैदान में, उस देखिए हमने